विराट कोहली की टीम आईपीएल में पिछले 16 सालों से जो नहीं कर पाई वो आरसीबी ने अब डब्ल्यूपीएल के जरिए कर लिया है। जी हां, आरसीबी पहली बार चैंपियन बन गई है आईपीएल में नहीं बल्कि डब्ल्यूपीएल में। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का फाइनल मैच 17 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुआ। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। दिल्ली के कप्तान मेग लैनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी टीम इस मौके को पूरी तरह से भुना नहीं पाई और केवल 113 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। वहीं टॉस जीतने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेघ ओपनिंग करने मैदान में उतरी और उनका साथ देने शफाली वर्मा क्रीज पर मौजूद रही। दोनों ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई और 7 ओवर तक टीम ने बिना कोई विकेट गवाए 64 रन भी बना लिए थे। तभी 7वें ओवर में सोफी मेलेन्यू ने 4 गेंद के अंदर दिल्ली का वो सपना तोड़ दिया जो दिल्ली देख रही थी, यानी कि ट्रॉफी जीतने का। 4 गेंद में सोफी ने 3 विकेट चटकाए। जहां टीम का स्कोर 0 विकेट पर 64 रन था, वहीं टीम ने अब 3 विकेट पर 64 रन बनाया था। इन झटकों से दिल्ली उबर नहीं पाई थी और बाकी कसर श्रेयंका पाटिल ने पूरी कर दी, जिन्होंने 3.3 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट और चटका लिए। दिल्ली की ओर से लैनिंग और शफाली के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया। बैंगलोर की शुरुआत वहीं दूसरी तरफ काफी शानदार रही। इस लो स्कोरिंग मैच में पहली विकेट के लिए स्मृति मंधाना और सोफी डेविन के बीच 49 रन की अहम साझेदारी हुई। डेविन ने 5 चौके और 1 छक्का लगाते हुए 27 गेंद में 32 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान मंधाना ने 29 गेंद में 31 रन की धीमी लेकिन अहम पारी खेली है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान एलिस पेरी ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है। उनकी शानदार बल्लेबाजी और फाइनल में भी उनके बल्ले से खूब रन निकले हैं। उन्होंने 27 गेंद में 35 रन की नाबाद पारी खेली। ऋचा घोष ने विनिंग शॉट लगाते हुए आरसीबी को पहली बार चैंपियन बना दिया है और यही वजह है कि अब डब्ल्यूपीएल की खूब तारीफ भी हो रही है। दरअसल जो काम विराट कोहली की आरसीबी आईपीएल में 16 सालों तक नहीं कर पाई वो आरसीबी पहली बार चैंपियन बनी है और इसका पूरा क्रेडिट डब्ल्यूपीएल में स्मृति मंधाना को जाता है। जी हां, स्मृति मंधाना की टीम ने वो कमाल कर दिखाया है जो विराट कोहली पिछले 16 साल में नहीं कर पाए थे और यही वजह है कि अब आरसीबी के फैंस काफी खुश हैं। दरअसल आरसीबी के फैंस 16 सालों से जिस ख्वाब को हकीकत में बदलता देखना चाहते थे वो हकीकत में बदल दिया है स्मृति मंधाना ने और अब आरसीबी पहली बार चैंपियन बन गई है और यही वजह है कि आरसीबी टीम के साथ साथ अब आरसीबी के फैंस भी काफी खुश हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर ये खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।